से कमाए गए आपके एक एक पैसे की कीमत इस सरकार भली भांति समझती है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और इसलिए सरकार की नीतियां और योजनाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गरीबों और मध्यम वर्गों की जिंदगी को आसान बनाए, उनके पैसों की बचत हो। साथियों, ये सरकार की लगातार कोशिश का ही नतीजा है कि पिछली सरकार के समय, अब ये भेद देखिए, इससे मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्ग परिवार का पैसा कितना बच रहा है। पिछली सरकार के समय जो एलईडी बल्ब था उसकी कीमत 350 रुपया थी, अब इसकी कीमत, सरकार ने उजाला स्कीम का बड़ा अभियान चलाया, 350 का एलईडी बल्ब 40-45 रुपये में आ गया। अब मुझे बताइए, जो एलईडी बल्ब खरीदने वाला मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय है, उसका जेब में पैसा बचा कि नहीं बचा? उसको मदद हुई कि नहीं हुई? और अब समझ में नहीं आता कि उस समय 350 क्यों थे, अब खोज का विषय है। मध्यम वर्ग का बोझ कम करने, निम्न मध्यम वर्ग को अवसर प्रदान करने और गरीबों का सशक्तिकरण करने के लिए ये सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रहती है। नीतियां बनानी होती हैं और उसे समयबद्ध तरीके से लागू भी करना होता है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए हम हर कदम उठाते रहे हैं। मैं जानता हूं राजनीति का स्वभाव में भली भांति समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो, लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है लेकिन वो रास्ता चुना है, और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उसको हम कर रहे हैं, और उसके कारण मेरी आलोचना भी होती है क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, मेरी आलोचना भी होती है, बहुत आलोचना होती है। हितधारक तत्वों को कभी तकलीफ होती है, अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भेजता हूं तो कई जो भूतिया लोग, गोस्ट लोग फायदा उठाते थे, अब उनके नाम कमी हो गए, तब वो मोदी को पसंद कैसे करेगा जी? और इसलिए हम सामान्य मानवी को एम्पावर करना, देश के सामान्य नागरिक को एम्पावर करना, उस पर बल दे रहे हैं। और मैं एक बात देशवासियों के सामने नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वर्तमान की चिंता में, मैं अपनी वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता।